आज रक्षाबंधन और यहाँ जो राजघाट में बड़वानी मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे जो जीवन अधिकार सत्याग्रह चल रहा है वो सत्याग्रह भी रक्षाबंधन का विशेष त्योहार मनाने में जुड़ा था। सैकड़ों लोग जो धार बड़वानी दोनों जिले से आए हुए थे उन लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। मुद्दा है रक्षा का, जीवन रक्षा में जीवन अधिकार की रक्षा सम्मिलित है और वही बराबर सरकार उनकी जिम्मेदारी नकार कर हमें ही खुद की रक्षा करने के लिए मजबूर कर रही है। तो सत्याग्रह में आए हुए सभी लोगों ने भाई बहनें एक दूसरे को राखी बांधी। यहाँ तो बहनों का एक प्रकार का योगदान बहुत ज़्यादा है, नेतृत्व भी है, तो बहनों को राखी बांधते हुए भाइयों ने यह भी कहा कि मातेश्वरी को भी राखी बांधनी चाहिए क्योंकि आखिर बहनें बहुत सारी रक्षा में योगदान देती हैं। तो आज कमलू जीजी हो, मैं हूँ या अन्य बहनें हों, राखी बांधते हुए कोई भाई बहन का उस प्रकार से भेद नहीं रहा। पर यह भी है कि आज नर्मदा घाटी की रक्षा करने के लिए जंग छेड़ा हुआ है। इसी रक्षा के लिए 30 साल से जो संघर्ष चला उससे ये साबित होता है कि शासन तो अपनी भूमिका निभाते नहीं और इतना लोकतंत्र का ढांचा बना हुआ है पर आखिर लोगों को संघर्ष के सिवाय अपने एक एक जीने की ज़रूरत पूरी करना और उसके द्वारा ही अपने अधिकारों की और जीवन की रक्षा करना संभव होता है, अन्यथा नहीं। आज पूरे सैकड़ों लोग नर्मदा किनारे राजघाट के पुल पर खड़े रहकर उन्होंने जो नर्मदा में अपनी राखी छोड़ी उसी से बांधी गई मातेश्वरी, एक प्रकार का रिश्ता जो रक्षाबंधन बनाता है वो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में बहनों ने भाइयों को राखी बांधना और भाई रक्षा करेगा, पुरुष रक्षा करेगा स्त्री का, इस अर्थ से परंपरा से लिया जाता रहा है। पर यहाँ वो परंपरा नहीं चली है, यहाँ हम सब बहनों को भी भाइयों ने बंधन डालते हुए बांधते हुए ही कहा कि आप रक्षा की नारे यही थे, नर्मदा घाटी की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, नर्मदा की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे।